गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 4 के बारे में, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करते जाएंगे चैप्टर के अंदर। जो टॉपिक्स आपके चैप्टर के अंदर हैं, वही उन्हीं के ऊपर आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं। ओके, तो देखिए, आपका चैप्टर नंबर 4 का नाम है मोर अबाउट विंडो 7, यानी कि विंडो 7 के बारे में हम कितना जानते हैं। देखिए, क्या नाम है, मोर अबाउट विंडो 7। विंडो 7 का मतलब 2007, ठीक है। क्या है 2007? देखिए, आज हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, विंडो क्या होती है क्या नहीं होती है। कल से हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, विंडो 7 क्या है। विंडो 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी मदद करता है कंप्यूटर के अंदर काम करने में, तरह तरह के काम करने में, जैसे कि हमारी कोई फाइल बनाने में, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने में, सब काम आपका विंडो के अंदर होता है, ठीक है। ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए बात करते हैं विंडो 7 के बारे में। देखिए, तो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है, देखिए, ये हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को यह बताता है कि आपको किस तरीके से काम करना है, ठीक है। वो क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम, ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच मेक्स the hardware component components to do their work। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ए सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि ऐसे किसी भी कार्य का एक प्रोग्राम होता है, यानी कि बहुत सारे काम करने के तरीके, उनसे मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो क्या करता है, हार्डवेयर के पार्ट्स के साथ में काम करता है कि कंप्यूटर को किस तरीके से काम करना चाहिए या किस तरीके से काम कंप्यूटर करेगा, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो देखिए, आप पहले इसको नोट कीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हो गया सभी का,
अब देखिए क्या क्या होता है उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। जैसे हमारा पहला पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट्स विद हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। क्या कह रहा है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट, इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसके साथ में काम करता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स के साथ में काम करता है। कम्युनिकेट का मतलब बातचीत करना, काम करना, ठीक है? तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर के साथ में मिलकर काम करता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज दी ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी काम होता है, ऑपरेशंस का मतलब कोई भी काम, टास्क, ठीक है, कोई भी काम होता है उन सभी को मैनेज करता है किस तरीके से काम करना चाहिए। यानी कि ये पार्ट इस तरीके से काम करेगा, ये वाला पार्ट इस तरीके से काम करेगा, इन सबको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर किस पार्ट को किस तरीके से काम करना है ये सब कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नोट करो आप इसको। हो गया सभी का? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, सम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देखिए क्या कह रहा है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, उनके बारे में देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विंडो, क्या है विंडोज होती हैं, यूनिक्स, नेक्स्ट है लिनक्स एंड एमएस डॉस। क्या है एमएस डॉस? तो देखिए क्या क्या है कि हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके नाम है विंडो, यूनिक्स, लिनक्स एंड एमएस डॉस। अब देखिए ये सभी हम आज इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, हमारे विंडो के बारे में, यानी इस चैप्टर के अंदर
विंडो के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, क्या है विंडो? एक विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिना विंडो के हम कोई भी फाइल वगैरह नहीं बना सकते, ठीक है। यानी कि बना तो सकते हैं लेकिन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बना सकते हैं। जैसे जब हमें विंडो के ऊपर काम करना है तो हम बिना विंडो के कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते। तो एक तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, दूसरा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, लिनक्स एंड एमएस डॉस। ये तीनों के तीनों किस तरह से काम करते हैं? कमांड लैंग्वेज के थ्रू काम करते हैं। यानी कि इनके अंदर हमें कमांड इंटर करनी पड़ती हैं, तब ये हमारा काम करते हैं, ठीक है। विंडो के अंदर हमें शो होता है कि हमें कौन कौन सी फाइल्स बनाई हैं, कौन सी पिक्चर्स बनाई हैं, वो सब हमें दिखाता है। लेकिन इनके अंदर हम सिर्फ कमांड के थ्रू काम करेंगे, हमें दिखाई नहीं देगा कि हमने कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन जो कर रहा है उसे ही पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर। ये तीनों है कमांड लैंग्वेज के लिए, और ये विंडो है हमारा, खुद से हम अपना काम करते हैं, यानी कि हम उसके अंदर देख भी सकते हैं कि क्या काम कर रहे हैं। तो ये थे आपके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, विंडो, यूनिक्स, लिनक्स और एमएस डॉस, ठीक है। जिस तरह आपका एमएस ऑफिस होता है इसी तरह आपका एमएस डॉस भी होता है। ओके, तो देखिए हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे आपके विंडो के बारे में, विंडो 7 के बारे में। तो नोट कीजिए आप इसको,